बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने सूट से बचे हुए कपड़े से एक 35 इंच का कुर्ता तैयार करूंगी। ये प्रिंटेड कपड़ा जो है ये शर्ट से बचा हुआ है और इसके साथ प्लेन कपड़ा ट्राउज़र में से बचा हुआ है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से जो कलियां सी उतरती हैं कमीज़ की कटाई में, ये वो हैं। दो फ्रंट की थी और दो बैक की, उनमें से एक कली गला बनाने में यूज़ कर ली है। अब इसका ये जो फालतू कपड़ा है इसको काट के अलहदा कर दें। ये 3 मैंने ली हैं, इसी से कुर्ते का घेरा पूरा हो जाएगा। दरमियान वाली कली जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी छोटी रखनी चाहिए, जितनी चौड़ाई आपको चाहिए तो उसको थोड़ा छोटा रखें। साइडों वाली कलियां जो हैं वो फिटिंग की सिलाई लगा के तो काफ़ी सारी वो नज़र आनी चाहिए कुर्ते में, इसलिए उनको ज़्यादा चौड़ा रखना है। तो बीच वाली कली जो है वो कम चौड़ी रखनी है। ये देखिए, मैं इसका प्रिंट से प्रिंट यानी कि लाइन से लाइन मिला के सिलाइयाँ लगाऊंगी, तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि जोड़ लगाया हुआ है। पहले इसको काट के सीधा करना है। इसकी बॉर्डर वाली साइड जो है वो मैं ऊपर की तरफ करूँगी और नीचे सिर्फ प्रिंट होगा, दामन की तरफ बॉर्डर नहीं लाऊँगी। अभी ये कलियाँ जोड़ के इनको सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद कटिंग होगी। यहाँ पे सिलाई लगेगी। अभी साथ तीसरी कली भी जोड़नी है। साइडों वाली जो कलियां हैं उनका जो एक्स्ट्रा हिस्सा साथ लगा हुआ है कंधे की कटिंग, उसको नहीं पहले उतारना, वो जब हम कमीज़ की कटिंग करेंगे तो चाकू में उसकी फिटिंग में आ जाएंगे। यहाँ भी सिलाई लगा के इसको जोड़ लें। ये 23.5 इंच यहाँ से और नीचे से इसको मैं 24 इंच रखूँगी, यानी कि दामन से 24 इंच रखूँगी और हिप से ये 23.5 इंच तकरीबन बन गया है, तो ये काफ़ी है। अभी ये ट्राउज़र वाला कपड़ा है, ये काफ़ी लंबा है, इसको मैंने 24 इंच को डबल फोल्ड किया हुआ है, तो जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतनी लेके, तो बाकी को मैं जोड़ लगा के बाजू बना लूँगी। ये देखिए, ये 24 इंच को मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। अभी इसको सिलाइयाँ लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये कमीज़ की कटिंग हो गई है। ये प्रिंटेड कप हिस्सा जो है ये पिछला हिस्सा बनाया है और प्लेन हिस्सा जो है वो फ्रंट बनाया है। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी काट के चेपी की, उसको मैंने लाइनों वाले हिस्से पे चिपका लिया है, बैक साइड का जो लाइनों वाला हिस्सा है, और ये वी और गोल गला है। इसके साथ मैं ये पट्टियाँ लगाऊंगी, ये प्लेकेट की तरह बनेगा। इस तरह पहले ऊपर वाले गले का वी हिस्सा सिल के फिर उसके बाद ये पट्टियाँ साथ अटैच करके फिर बाकी गले की गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, ये कमीज़ तैयार हो गई है। ये इसके बाजुओं के आगे भी बैक वाली पट्टी लगाई है थोड़ी सी, और ये
देखे बाजू जोड़ डाल के बनाए हुए हैं। ये 35 इंच तैयार कुर्ता है, ये देखिए। ये बैक साइड है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।